अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज फाइनली जो है वो हम लोग मीरपुर वापस जा रहे हैं। हमें यहाँ पे लास्ट थर्सडे को हम लोग आए थे। हमारा प्लान ये था कि हम लोग संडे या मंडे को जो है वो वापस चले जाएंगे, लेकिन अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उनका बीपी बहुत हाई हो गया था, तो हमें यहाँ पे रुकना पड़ गया। तो आज फिर थर्सडे है, पूरा एक वीक हम यहाँ रह के तो अब वापस जा रहे हैं लाहौर से। और लाहौर में मैंने आपको दिखाया है कि हम लोग पार्क रिजॉर्ट शो पे गए थे, उसके अलावा हम लोग कहीं जा नहीं सके क्योंकि गर्मी थी और लाहौर का मौसम आपको पता है थोड़ा अजीब सा था, तो कहीं निकलने का दिल नहीं किया, बस रेस्ट किया। तो आज वापस चल रहे हैं, आपको भी साथ लेके चलते हैं। रास्ते में कोई खाना कोशिश करेंगे, खाने वगैरह ट्राई करें यूनिक से, और आपको बताएं और उसका रिव्यू दें, ताकि आप लोग जब कभी इस रोड पे या इस मतलब इस साइड पे ट्रैवल करें तो आपको वो जगहों का पता हो कि कहाँ कहाँ से मज़ेदार जो है वो आपने खाने खाने मज़ेदार। तो अभी बस मैं ये मार्केट आया हूँ, मार्केट से कुछ चीज़ें लेनी है शाहजहान और हूरी के लिए, क्योंकि हमने मोटरवे से जाना है। यहाँ से हम लाहौर से चढ़ेंगे मोटरवे, मोटरवे से वज़ीराबाद और वज़ीराबाद से फिर आगे जीटी रोड पे। उसकी वजह यह कि अभी हम लोग तकरीबन 1:30 बजे निकले हैं, तो इस टाइम रश काफ़ी होता है, तो इसलिए उस रश को जो है वो अवॉइड करने के लिए हम मोटरवे से जाएंगे। तो अभी चलते हैं बस, इसलिए मोटरवे पे यहाँ पे कोई स्टॉप ओवर है नहीं है, तो बच्चे आपको पता है वो रास्ते में तंग करते हैं, इसलिए उनके लिए कोई जूस चिप्स वगैरह ले लूँ यहाँ मार्केट से। सफर की दुआ पढ़ लें जरा, औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, सुभानल्लज़ी सखर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। तो हमने बस अब वापस जा रहे हैं, ये लाहौर से निकल रहे हैं, तो आपको मैं रास्ते में मिलता हूँ। अच्छा जी, तो वेलकम बैक। आज जुमे का दिन है और कल रात को हम लेट आए थे, लेट आए हैं, उसके बाद आके कोई घर के एक दो काम थे वो किए हैं, और उसके बाद आके मैं सो गया हूँ। सुबह उठा था लेकिन वही था, जब आपको पता है आप घर से 7-8 दिनों के लिए चले जाओ तो पीछे खाने पीने की जो चीज़ पड़ी होती है अगर फ्रिज में तो वो ख़राब हो जाती है, तो इसीलिए जो है वो सुबह बस घर की खाने पीने की चीज़ें वगैरह लेके आया था। बच्चों के डाइपर वगैरह लाने थे, स्टार्ट ऑफ द मंथ है, मैं तो कोशिश करता हूँ सारी चीज़ें इकट्ठी ले आऊँ महीने के शुरू में, ताकि बार बार ना जाना पड़े, कोई थोड़ी सी फ्यूल की सेविंग हो जाए, टाइम की सेविंग हो जाए, तो वो सारी चीज़ें इकट्ठी करने के आवा था। उसके बाद अम्मी की ज़रा तबीयत नहीं ठीक, अम्मी का जो है वो RFT कराना है, उसके बाद अम्मी के वो कराने हैं टेस्ट वगैरह, कुछ और कराने हैं, उनका पता करने गया हुआ था, तो वो पता किए हैं, वो शाम में कराने हैं टेस्ट। बस अभी जुमा पढ़ के निकला हूँ, गर्मी बहुत है यार, सही बात है, गर्मी से ज़्यादा मतलब टेम्परेचर आपको बताया ना इतना नहीं है, लेकिन वो जो हब्स है ना, मतलब हवा नहीं चल रही है, वो ज़्यादा काम ख़राब करती है, उसमें पसीना बहुत ज़्यादा आता है। गर्मी थोड़ी सी हो लेकिन हवा चल रही हो तो कम से कम इतना पसीना नहीं आता है। तो अभी गाड़ी में तो आके बैठा हूँ लेकिन गाड़ी ठंडी होने में भी तो टाइम लगाएगी, सुबह के स्टार्ट नहीं की हुई थी, बस जुमा पढ़ने के बाद मैंने स्टार्ट की, मैंने कहा चलो जो है वो चीज़ें वगैरह इकट्ठी कर लें। सुबह मैं दोस्त के साथ गया हुआ था तो गाड़ी इसलिए नहीं निकाली थी,
अभी इसमें फ्यूल डलवाते हैं यार। एक तो फ्यूल इतना महंगा हो गया कसम से, फ्यूल का एक्सपेंस जहाँ आगे टोटल बजट का 5-10% होता था, अब वो ना करते भी जो है ना वो 35-40% होता है, 30% तो मेरा होता ही होता है। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गया फ्यूल। देखते हैं अभी डॉलर थोड़ा सा स्टेबल हुआ है, शायद जो है फ्यूल की प्राइसेस नीचे आए। पेट्रोल तो इन्होंने सस्ता कर दिया, डीजल इन्होंने महंगा कर दिया, बेचारे हम किधर जाएं, अब किधर जाएं। चलो मैं फ्यूल डलवाऊं फिर मैं जो है वो मिलता हूँ। यार जुमे की बरकतें ऐसी है ना, इतना सुकून होता है कसम से जुमे को। वैसे ही बाहर निकलो तो बाहर रश भी नहीं होता है, आपके सारे काम भी बड़े इजीली हो जाते हैं। जुमे की माशाल्लाह बरकतें ही वैसे बहुत ज़्यादा है ना। तो आज भी मैंने मतलब सुबह के जितने काम किए हैं, वैसे वीकडेज हों तो बहुत ज़्यादा रश होता है, लेकिन जुमे के दिन जो है ना वो बड़ा सुकून होता है, हमारी तरफ तो बहुत सुकून होता है। आप भी कमेंट में बताइएगा कि आप लोग जिस जिस शहर से देख रहे हैं कि आप लोगों की तरफ भी जुमे को मतलब पीसफुल दिन होता है, मज़े का सुकून होता है, आराम से बाज़ारों में आप चीज़ें ले सकते हैं बगैर किसी रश के हैसल के, या आप लोगों की तरफ जो है वो रश होता है, तो कमेंट में बताइएगा। तो यार गाड़ी वॉश के लिए दी थी, गाड़ी वॉश करा ली है, काफ़ी दिनों बाद गाड़ी वॉश हुई है, देखो लश पश हो गया, चमक गई गाड़ी ज़बरदस्त, सारी ज़बरदस्त हो गई गाड़ी, चमक चमक गई ये वन। तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आज की वीडियो इधर ही एंड करते हैं, बाय।